नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं राइनोप्लास्टी करवाने के लिए। उनका सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़रूरी या सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये रहता है कि ये प्रोसीजर कितनी सेफ है। मतलब साइड इफेक्ट हैं तो ठीक है, लेकिन अभी जो चेहरा है हमारा और ख़राब तो नहीं हो जाएगा, या नोज़ अभी से ख़राब तो नहीं हो जाएगी, या सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो आपको इसके लिए, इसका आंसर जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि राइनोप्लास्टी एग्जैक्टली होता क्या है। राइनोप्लास्टी मीन्स हम लोग नोज के शेप को अगर सही करते हैं तो नोज जो बनी होती है वो कार्टिलेज से बनी रहती है, जो सॉफ्ट पार्ट रहता है, या अपर जो पार्ट रहता है बोन से बना रहता है, और बीच में एक सेप्टम रहता है जो कि रिलेटिवली थोड़ा हार्ड कार्टिलेज रहता है। तो जो भी राइनोप्लास्टी प्रोसीजर होती है हम लोग इन चीज़ों में चेंज करते हैं। जो आपका सांस लेने का रास्ता है, जो नीचे के होल्स रहते हैं उसमें हम लोग कुछ मोस्टली टच नहीं करते हैं, उसका रास्ता वैसे की वैसे रहता है अनलेस हम लोग सेप्टोप्लास्टी कर रहे हैं। तो यदि जो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी होती है अच्छा दिखने के लिए होती है, उसमें सांस लेने के जो रास्ता रहता है उसको हम लोग टच भी नहीं करते हैं, उसका एक सेपरेट एंट्री रहती है। अब जो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी होती है उसमें हम लोग मोस्टली क्या प्रोसीजर कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कई बार नोज चौड़ी रहती है तो उसकी चौड़ाई को कम करना रहता है, जैसे अपर पार्ट ब्रॉड है तो उसको हम लोग को बोन को ब्रेक करके अंदर करना पड़ता है। यदि लोअर पार्ट ब्रॉड है तो यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, उसको विड्थ को कम करना रहता है। टिप पूरी दबी हुई है तो टिप को शार्प करना रहता है। हम्प है तो हम्प को रिमूव करना रहता है। नॉस्ट्रिल के होल बड़े हैं तो उसको छोटा करना पड़ सकता है। इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, कई बार एक या दो या तीन चीज़ें इनमें से लगती है। कई बार टिप काफ़ी नीचे रहती है तो टिप को लिफ्ट करना पड़ता है, टिप अगर ज़्यादा ऊपर है तो उसे रिलीज करके थोड़ा नीचे लाना पड़ता है। इस तरह से कई बार सेप्टम का प्रोसीजर रहता है जिसमें सांस लेने में दिक्कत है, तो अगर सेप्टम डिविटेड है तो उसे हम करेक्ट करते हैं। ये जो प्रॉब्लम रहती है या तो बिना किसी कारण की होती है, या फिर कई बार ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है, या कोई पैथोलॉजी होती है उसकी वजह से होती है। नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं उसमें कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं रहती ट्रॉमा या सर्जरी की। सो साइड इफेक्ट या कितना रिस्क रहेगा वो आपको समझना है। तो जो नोज रहता है इसमें हम लोग जस्ट स्किन के नीचे जाते हैं, ये जो स्किन रहती है इसके नीचे जो भी कार्टिलेज या बोन है उसमें चेंजेस करते हैं। तो ऑब्वियसली स्किन से रिलेटेड चेंजेस ये साइड इफेक्ट आएंगे। इसे थोड़ा स्वेलिंग रहेगा, कुछ रेडनेस रह सकती है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है, लेकिन आपको कोई सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी या बॉडी में कोई इन जनरल कोई साइड इफेक्ट या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऐसा कोई उसमें रिस्क नहीं रहता है। लोगों का कंसर्न रहता है कि अभी से खराब तो नहीं हो जाएगा, तो आपको ये हम लोग गारंटी दे सकते हैं। मतलब हम लोग जनरली गारंटी वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन इस बात की हम लोग मोस्ट श्योरिटी दे ही देते हैं कि अभी जो है उससे खराब तो नहीं होगा, जो भी होगा इसमें इंप्रूवमेंट होगा। ये हो सकता है कि 100% इंप्रूवमेंट ना हो, के 80% हो, 70% हो, 90% हो, लेकिन जो भी है उससे खराब नहीं होना, ये हम लोगों का कंफर्म रहता है। तो हम लोग थोड़ा अंडर करेक्शन करते हैं इस वजह से कि जैसे अभी प्रॉब्लम अगर बहुत जैसे हम्प है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उसे बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि उसमें डिप्रेशन जैसा क्रिएट हो जाए, उसको रिडक्शन करते हैं। उस तरह से अगर डिप्रेस नोज है तो उसकी हम लोग हाइट बढ़ाते हैं, तो उसको ओवर करेक्ट नहीं करते। तो हमारा जो उद्देश्य ये रहता है कि कुछ भी चीज़ हो खराब ना हो, मतलब जो अभी जो है उससे बेहतर तो हो डेफिनेटली, लेकिन खराब ना हो, क्योंकि वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है। बाकी जो ये प्रोसीजर रहता है इंटायरली सेफ रहती है। जनरल एनेस्थीशिया रहता है, जनरल एनेस्थीशिया सबसे सेफ फॉर्म ऑफ द एनेस्थीशिया रहता है, जैसे बाकी जो स्पाइनल या दूसरे लोकल कॉर्डल या रीजनल एनेस्थीशिया होते हैं उसकी तुलना में ये जो जनरल एनेस्थीशिया रहता है इसमें कंप्लीट कंट्रोल रहता है एनेस्थेटिस्ट के पास या ऑपरेटर के पास, कि उसका रेस्पिरेशन और हार्ट का कंट्रोल अपने पास रहता है। तो इस वजह से इसमें रिस्क या बॉडी को या साइड इफेक्ट होने का बहुत ही नहीं के बराबर रहता है। और आजकल बहुत एडवांस मेडिसिन आ गई है, बहुत अच्छा टेक्निक हो गया, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है सभी लोग। हमारे जो एनेस्थेटिस्ट रहते हैं वो हज़ारों केसेस इस तरह के करा चुके हैं। तो इंटायरली सेफ प्रोसीजर है, करीब 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर रहता है, और उसमें मोस्टली सेम डे या नेक्स्ट डे हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। तो जो साइड इफेक्ट अगर अपन और बात करें कि कोई निशान तो नहीं आएगा, तो उसमें जो कट लगता है यहाँ पर लगता है, तो ये कट बहुत ही छोटा रहता है, इसमें 2-3 महीने बाद आप ढूंढ भी नहीं पाते कहाँ पर था। कई बार चौड़ाई कम करने के लिए लेजर बेस रिडक्शन करते हैं, तो इसका जो कट रहता है वो भी जंक्शन पर रहता है, नोज और चीक के जंक्शन पे, तो वो भी प्रैक्टिकली कुछ विजिबल नहीं होता है। ऑस्टियोटोमी करते हैं तो बहुत ही छोटा छोटा इंसिजन लगता है जो कि 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर करीब रहता है, और वो तो स्कार आपको 7 दिन बाद भी नहीं विजिबल होता है। तो स्कार का कोई इशू नहीं है, टेम्प्रेरी स्वेलिंग हो सकती है, वो स्वेलिंग अगर हम लोग ऑस्टियोटोमी करते हैं, बोन को ब्रेक करते हैं, ज़्यादा कुछ हैंडलिंग होती है, लंबी सर्जरी होती है, ज़्यादा चेंजेस चाहिए राइनोप्लास्टी में, तो उसमें स्वेलिंग ज़्यादा रहती है। स्वेलिंग भी मैक्सिमम तो 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके हल्की हल्की स्वेलिंग रहती है जो कि अगले 2-2.5 महीने तक रह सकती है। लेकिन वो स्वेलिंग ऐसी नहीं रहती कि आप घर के बाहर नहीं निकल सकते या फिर उसकी वजह से आपका चेहरा खराब दिखता है। स्वेलिंग बोलने का मतलब यह रहता है कि आपका पूरा रिजल्ट आने में, फाइनल रिजल्ट आने में कुछ हफ्ते या महीनों तक लगते हैं, लेकिन वो
इतना ऐसा स्वेलिंग, मतलब ऐसा नहीं कि नाक बड़ी सी दिखती है या खराब दिखती है, शुरू के 2-4 दिन आप उसको छोड़ देते हो। ड्रेसिंग जो रहती है वो शुरू के 4-5 दिन लगाते हैं आमतौर पर हम लोग, और उसके बाद ड्रेसिंग की भी जरूरत नहीं रहती है।